अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा शहर भी है जहां कोई घूमने जाए तो उसे एक दिन के लिए दुल्हन दी जाती है, और ये कि दुबई में शहरियों को 1 किलो वजन कम करने पर ऐसा क्या मिलता है कि जिसके बारे में सुनकर आप चौंक जाएंगे। और क्या आप जानते हैं एक ऐसे कब्रिस्तान के बारे में जहां कब्रें जमीन पर नहीं बनाई जाती। ऐसे ही दिलचस्प फैक्ट्स के बारे में जानने के लिए ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आइंदा ऐसी ही वीडियोस आप तक आसानी पहुंचती रहें। नंबर 1, फ्लाइंग कार्स। फ्लाइंग कार्स दुनिया का मुस्तकबिल हैं, लेकिन इनके साथ दो बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। पहली प्रॉब्लम ये कि इन कारों में ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 सीटें होती हैं, और दूसरी बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि इन्हें लैंडिंग और टेक ऑफ करने के लिए रनवे की जरूरत पड़ती है, बिल्कुल हवाई जहाज की तरह। लेकिन क्या आपको पता है कि साइंसदानों ने हाल ही में इन दोनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए एक एडवांस 5 सीटों वाली कार को डेवलप किया है। इस फ्लाइंग कार का नाम द लिलियम जेट है। दिलचस्प बात यह है कि इसमें 36 ऐसी पावरफुल इलेक्ट्रिक मोटर्स को लगाया गया है जिनके जरिए ये जमीन से ऐसे उठ जाती है कि जैसे ये कोई पावरफुल हेलीकॉप्टर हो। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि अभी तक सिर्फ यही एक कार है जिसमें पावरफुल मोटर्स को लगाया गया है और ये आसानी से 5 अफराद को लेकर हवा में उड़ सकती है। नंबर 2, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि UAE में माल्स की सिक्योरिटी के लिए इंसानों को नहीं बल्कि रोबोट्स को हायर किया गया है। आपको स्क्रीन पर जो रोबोट्स दिख रहे हैं इनको UAE के एक माल में सिक्योरिटी के लिए हायर किया गया है। दिलचस्प बात यह है कि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया है जो किसी इंसान की एक्टिविटी को देख कर ये बता सकता है कि क्या इस इंसान ने कुछ गलत किया है या फिर नहीं। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये रोबोट एक बार में ही 3 इंसानों के बराबर काम कर सकता है। नंबर 3, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब मेट्रो ट्रेन आती है तो हमें नहीं पता होता कि इसके किस डब्बे में कितना रश है और हमें किस डब्बे में सवार होना है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि साल 2016 से ही इंग्लैंड में जो सबवेज या मेट्रोज चलती हैं वो अपने मुसाफिरों या पैसेंजर्स को एक ऐसी सहूलत देती है जिसके बारे में सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दरअसल वहाँ की मेट्रोज और सबवेज की ऑफिशियल मोबाइल ऐप पर आने वाली ट्रेन की डिटेल के साथ साथ हर डब्बे की लाइव कैपेसिटी मॉनिटरिंग भी दी जाती है। दरअसल वहाँ ऐप में इस तरीके से ग्रीन, येलो और रेड सिग्नल्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, जहाँ पर ग्रीन का मतलब ये होता है कि इस ट्रेन के डब्बे में जगह खाली होगी और आप बैठकर सफर कर सकते हैं। येलो सिग्नल का मतलब है कि आपको खड़े होकर सफर करना होगा, और रेड सिग्नल का मतलब ये होता है कि आपको ट्रेन में खड़े होने की जगह भी नहीं मिलेगी। इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ मोबाइल ऐप पर ही नहीं बल्कि लाइव स्टेशन पर भी इस तरह की मॉनिटरिंग को लाइव टेलीकास्ट किया जाता है। नंबर 4, क्या आप जानते हैं कि जापान के शहर टोक्यो में दुनिया का सबसे पहला डिजिटल आर्ट म्यूजियम बनाया गया है, जिसको मैं तफसील से तो बयान नहीं कर सकता, लेकिन इस वीडियो क्लिप को देखिए। इस वीडियो में टोक्यो के आर्ट म्यूजियम को दिखाया गया है और इसमें लाइट को इस तरीके से लगाने की कोशिश की गई है कि वहां जाने के बाद आपको ये एहसास होता है कि आप इसी पेंटिंग के ठीक दरमियान में खड़े हुए हैं। क्या आपने इससे पहले इस म्यूजियम के बारे में सुना था? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नंबर 5, ब्राजील के रहने वालों ने मुर्दों को जमीन में दफन करने की बजाय एक निहायत बुलंदोबाला इमारत खड़ी कर दी, जहां पर 25,000 अफराद को रखने या दफनाने का इंतजाम किया गया है। मेमोरियल एक्रोपोल नामी ये इमारत 1983 में बनाई गई थी, लेकिन उस वक्त ये इमारत बहुत छोटी थी, लेकिन आज ये 8 मीटर बुलंद इमारत में तब्दील हो चुकी है, जहाँ कई कमरे, एक बाग, छोटा सा आबशार, एक चर्च और एक रेस्टोरेंट भी है। इसे दुनिया की सबसे ऊंची कब्रिस्तान बिल्डिंग भी कहा जा सकता है। इस इमारत में कब्र खरीदना बहुत महंगा अमल है। कब्र की जगह जितनी ऊंची होगी वो उतनी ही महंगी फरोख्त हो रही है। 32 मंजिला इस इमारत पर कई ब्लॉक्स हैं और हर ब्लॉक में 150 मकबरे हैं। हर मकबरे में 6 कब्रें हैं। इन कब्रों को ठंडा रखने के लिए हवा के गुजरने का रास्ता बनाया गया है। यहाँ की इंतजामिया के मुताबिक एक लाश को खत्म होने में 3 साल लगते हैं। अपने अजीजों अकारब की बाकियात को जाया करने या दूसरी जगह मुंतकिल करने का इंतजाम भी है। यहाँ पर एक कब्र का किराया 10 से 25 लाख पाकिस्तानी रुपए है, जबकि इसराइल में भी जगह की कमी के बायस इमारतों में कब्रिस्तान कायम किए गए हैं। नंबर 6, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि दुबई ही पूरी दुनिया का एक ऐसा शहर है जो अपने शहरियों को 1 किलो वजन कम करने के अवज
एक ग्राम सोने का इनाम देता है। वहीं अगर आपकी उम्र 2 साल से ज्यादा और 14 साल से कम है और इसी दौरान अगर आपने 1 किलोग्राम वजन कम किया तो आपको इसका डबल यानी 2 ग्राम सोना इनाम में मिलेगा। इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि दुबई में जितनी भी फैमिलीज रहती हैं उनमें से 2 बच्चे भी इस प्रोग्राम का हिस्सा हो सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि दुबई का ये कानून अजीबोगरीब और दिलचस्प जरूर है। नंबर 7, क्या आप जानते हैं कि इंग्लैंड की गवर्नमेंट लंदन में एक किस्म की अनोखी सड़कों को बना रही है जिन पर अगर आप चलेंगे तो चलते वक्त आपके पांव का जो प्रेशर इस सड़क पर पड़ेगा इससे बिजली जनरेट होगी। दरअसल जैसे ही आप इन सड़कों पर बने इन ब्लॉक्स पर चलते हैं तो आपके पैरों की प्रेसिंग एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है और लोगों को इस सड़क पर ज्यादा से ज्यादा चलने के लिए मोटिवेट करने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प प्लान भी बनाया गया है जिसके तहत आप जितना ज्यादा इस सड़क पर मौजूद ब्लॉक्स या टाइल्स पर चलेंगे उसी हिसाब से आपको फ्री डेटा भी दिया जाएगा। नंबर 8, आपकी स्क्रीन पर आपको जो कार दिखाई दे रही है वो दुनिया की सबसे पहली सोलर पावर कार है और इस कार का नाम लाइटियर 1 है। दिलचस्प बात यह है कि इसकी पूरी बॉडी बहुत ही हल्के और एडवांस सोलर पैनल से कवर की गई है। आप इस कार को चार्ज भी कर सकते हैं। इस कार को बनाने वाली कंपनी का ये दावा है कि सोलर पैनल को इस्तेमाल करते हुए एक बार चार्ज करने पर यह 400 किलोमीटर का सफर बड़ी आसानी से तय कर सकती है। नंबर 9, क्या आप जानते हैं कि गिरगिट जो कि साउंड को प्रोड्यूस करता है इससे आप बाहर मौजूद टेम्परेचर का आसानी से पता लगा सकते हैं। दरअसल बहुत सी रिसर्च में ये बात साबित हो चुकी है कि गिरगिट 15 सेकंड में जितनी बार इस साउंड को प्रोड्यूस करता है अगर आप इसमें 37 को प्लस कर दें तो जो रिजल्ट आएगा उतने डिग्री फ़ारेनहाइट इस जगह का टेम्परेचर होगा। क्या आप इस बारे में पहले जानते थे? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नंबर 10, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा शहर भी है जहां पर आने वाले स्याह एक दिन के लिए शादी भी कर सकते हैं और उस लड़की के साथ खुलेआम घूम भी सकते हैं। अगर सीधे और साफ अल्फाज में बात करें तो ये डेट है। शादी एक पाकीज़ा रिश्ता है, इसे भी बदनाम किया गया है। नेदरलैंड के शहर एम्स्टरडैम की सैर करने के लिए स्याह दूर दराज के इलाकों से आते हैं और अब यहाँ स्याहों की तादाद को मजीद बढ़ाने के लिए ये अजीबोगरीब फैसला किया गया है कि जो शख्स एम्स्टरडैम की सैर करना चाहता है तो वो इस शहर की लड़की से एक दिन के लिए शादी कर सकता है और इसके साथ एम्स्टरडैम की सैर भी कर सकता है। एम्स्टरडैम के ज्यादातर लोग यहाँ सियाहत को फरोग देने से खुश दिखाई नहीं देते, इसके बावजूद ये इंतहाई बेहुदा पेशकश दुनिया भर के सियाहों के लिए की गई है कि वो इस शहर में आएं और यहाँ की एक लड़की के साथ सारा दिन घूमें। एम्स्टरडैम में एक दिन की शादी के लिए तकरीब भी होगी जिसमें 30 से 35 मिनट लगेंगे। यही नहीं बल्कि एक दिन की शादी करने वाले शादी का लिबास भी पहनेंगे और वो एक दूसरे को अंगूठियां भी पहनाएंगे। ये बात भी सामने आई कि रसूमात के मुताबिक शादी करने वाले आपस में वादे भी करेंगे लेकिन ये सब कुछ एक दिन के लिए होगा। इस तहरीक के ऑर्गेनाइजर्स का कहना है कि ये शादी कानूनी नहीं होगी और एक दिन की शादी करने वाले जोड़े एम्स्टरडैम शहर के उन इलाकों की सैर करेंगे जो सियाहों में मकबूल नहीं हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें और इसके मुतालिक कोई राय या सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। शुक्रिया।